सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं सतीश बौद्ध जी, जो समाज सेवक हैं। आज हम बात करना चाहेंगे सतीश बौद्ध जी से। हम बाबा साहब के बारे में और समाज के बारे में बात करना चाहेंगे। बाबा साहब ने कभी देवी देवताओं की पूजा नहीं की, कभी इन्होंने व्रत और उपवास नहीं रखा, कभी ना मंदिर मस्जिद में गए, फिर भी आज हमारा समाज क्यों नहीं समझ पा रहा ये बात? आपका जो क्वेश्चन है, एक्चुअली ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। मैं टेक्निकल इसको इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि जहाँ तक सवाल है पूजा करने का, अर्चना करने का या स्तुति करने का, यह मसला धार्मिक है, यह मसला आस्था से जुड़ा हुआ है। जिस समाज की आप बात कर रहे हैं, ये वो समाज रहा है जिसे सदियों से वंचित रखा गया इस बात से कि तुम्हें मंदिर में जाने नहीं दिया जाएगा, वंचित रखा गया इस बात से कि तुम्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का अधिकार नहीं है, वंचित रखा गया इस बात से कि आपको धर्म से संबंधित जितनी भी क्रियाकलाप हैं वो करने का हक आपको नहीं है, वंचित रखा गया इस बात से कि धर्म से संबंधित जितने तीज त्यौहार रीति रिवाज हैं उन रीति रिवाजों को मनाने का हक और अधिकार इस समाज को प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आंदोलन के माध्यम से भारत के लोगों को, विशेष रूप से शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के लोगों को जब अधिकार शिक्षा के प्राप्त हुए, तो साथ ही साथ उन्हें अधिकार ये भी प्राप्त हो गए कि वो धर्म अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक संस्थानों में जा सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं और धार्मिक क्रियाकलाप और जितने भी रीति रिवाज हैं उनको वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के लोगों को इस बात का आभास होने लगा कि हम भी मंदिर में जा सकते हैं, हम भी क्रियाकलाप कर सकते हैं, तो वो हज़ारों सालों की जो बेड़ियाँ थी वो एकदम टूटी और उन्हें ये महसूस होने लगा कि अब भगवान हमारा भी है। उन्हें महसूस होने लगा कि हजारों सालों से जो कृपा केवल ब्राह्मणों के पास थी, जो क्षत्रियों के पास थी, जो वैश्यों के पास थी, वही कृपा अब शूद्रों के पास भी उपस्थित है। तो लिहाजा उस कृपा को प्राप्त करने की चाह में हमारे जो लोग थे वो मंदिरों की तरफ इस तरह से भागे कि वो अंधभक्ति में परिवर्तित हो गया और वो अंधभक्ति कुछ इस तरह से समाज के ऊपर छाई कि बाबा साहब के द्वारा बताए गए शिक्षा के जो मार्ग थे वो प्रशस्त होने के बजाय अंधभक्ति के मार्ग प्रशस्त होते चले गए। जिस तरह अंधभक्ति के मार्ग प्रशस्त होते चले गए, उन्हें ईश्वर की आराधना करने में आनंद की प्राप्ति होने लगी। यहाँ मैं इस बात को जरूर कोट करूँगा कि जब भूखे को अचानक रोटी मिले तो वो रोटी बड़े ही टूट के खाता है, वो इस कदर खाता है कि किसी तरह से मुझे आज भोजन मिल गया है, कल का कोई भरोसा नहीं है। तो उसी दिशा में जब समाज दौड़ा तो वो धार्मिक रूप से अपने आप को हिंदू मान करके हिंदुओं के देवी देवताओं में पूरी आस्था रखना शुरू कर चुका था। उसका परिणाम ये हुआ कि बाबा साहब के द्वारा दिए गए आरक्षण और शिक्षा के अधिकार के आधार पर समाज के एक तबके का बहुत अच्छा विकास हुआ, परंतु वही तबका जो शिक्षित होता जा रहा था उसका झुकाव होता चला गया धार्मिक अंधविश्वास की तरफ भी। परिणाम ये हुआ कि जब एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति, आर्थिक रूप से समृद्ध व्यक्ति मंदिर जाता है तो एक गरीब व्यक्ति खुद सोचने लगता है कि जब इतना पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति मंदिर जा रहा है, उसकी आस्था धार्मिक देवी देवताओं में है, तो मैं क्यों ना जाऊं, कहीं ऐसा तो नहीं है उसके जीवन में जो सफलता आई है वह उस कृपा पात्र देवी और देवता की वजह से ही हो, जो कि ऐसा नहीं था। असल में बात ये थी कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि उन्हें शिक्षा के अधिकार प्राप्त हुए। जैसे शिक्षा आई तो शिक्षा आने के पश्चात सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ कि हमारे समाज के लोगों को सरकारी नौकरियों में एक बहुत बड़े स्तर पर हिस्सेदारी प्राप्त होनी शुरू हो गई। जैसे ही हमारे लोगों को रोज़गार प्राप्त होना शुरू हुआ, उनकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी मजबूत होनी शुरू हो गई। लेकिन चूँकि उनके ज़िंदगी का एक कोना जो धार्मिक था वो बड़ा खाली था, क्योंकि बाबा साहब ने तो शिक्षा और आरक्षण दिया लेकिन उस धार्मिक पन को फुलफिल करने के लिए इन लोगों ने देवी और देवताओं की पूजा और अर्चना करनी शुरू कर दी।
जिसका परिणाम ये हुआ कि स्वयं को हिंदू मानने लगे और हिंदू मान करके उनकी पूजा करने में उन्हें मानसिक क्या कहें एहसास ऐसे होने लगे कि उन्हें अच्छा लगने लगा लोगों को। ये परिणाम रहे कि इस वजह से तो वह धार्मिक अंधेपन की तरफ बढ़ते चले गए। एक तरफ तो देवी देवता ही रहे, लेकिन जो दूसरा हिस्सा था वो और भी गंभीर था। वो इस तरह गंभीर रहा कि धार्मिक जो रीति रिवाज थे, धार्मिक कर्म कांड जो थे, वो भी मनुष्य विशेष रूप से हमारे समाज के लोगों के मस्तिष्क पर इस कदर छाया कि उन्हें सही और गलत की पहचान होनी बंद हो गई। उदाहरण स्वरूप बताना चाहूँगा, विशेष रूप से जब हमारे घरों में बेटा पैदा होता है तो बड़ी खुशियाँ मनाई जाती हैं, दावतें मनाई जाती हैं और बड़े ही ढोल ढमाके और मतलब जश्न मनाए जाते हैं। लेकिन जब बेटी पैदा होती है तो हमारे परिवारों में खुशी नहीं मनाई जाती। यहाँ तक कि आलम ये हो जाता है कि बेटी पैदा होने पर बेटे और बेटी में तुलना होने लगती है। हमारे यहाँ लोगों में, परिवारों में अगर दो बेटियाँ पैदा हो जाएं तो परिवार के दूसरे लोग कहने लगते हैं कि अरे यार अगर बेटा हो जाता तो और अच्छा होता। तो ये केवल धार्मिक अंधापन ही नहीं था, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से धार्मिक आधार पर, मनुस्मृति के आधार पर लिंग भेद जो हुआ करता था वो बदस्तूर जारी रहा। अब यकीन जानिएगा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत में हो सकता है ब्राह्मण परिवारों में लिंग भेद ना होता हो, हो सकता है ठाकुरों में लिंग भेद ना होता हो सकता है बनियों में लिंग भेद ना होता, लेकिन शूद्रों में लिंग भेद और भी गहरा होता चला गया है। लेकिन सर, पहले हमारा समाज जागरूक नहीं था, लेकिन अब तो समाज जागरूक हो चुका है, फिर भी वो मंदिरों में जाते हैं और मंदिर के जो भी पुजारी वहाँ के लोग हैं दलित के उनको मारते पीटते उनको निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी वो जाना नहीं छोड़ते। हाँ, इसे दिमागी गुलामी कहते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी एक बार बहुजन टीवी पर आकर बताया था कि दिमागी गुलामी से मानसिक गुलामी कहते हैं। मानसिक गुलामी कुछ इस तरह की होती है, जब किसी काम को करने में, ऑल दो है तो गुलामी, लेकिन जब काम को करने में मज़ा आने लगता है तो उस कार्य को व्यक्ति बार बार लगातार हर बार बदस्तूर जारी रखता है। उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, इस देश में महिलाओं के पैर में जो पाजेब आज है तो आज वो श्रृंगार बन गई है, आभूषण बन गई है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि महिला के पैर में पाजेब इसलिए बांधी गई थी ताकि उसके घुंघरू के आवाज़ से पुरुष को ये पता चल जाए कि ये औरत जा कहाँ रही है, ताकि वो पुरुष जो है जागरूक हो जाए और उसे रोक सके, उसे बंधन में डाल सके। इस वजह से वो पाजेब पहनाई गई थी, घुंघरू की आवाज़ आने लगती थी। लेकिन उस घुंघरू की आवाज़ अब खुद महिलाओं को मनमोहक लगने लगी है। वो बंधन वाली पाजेब आज महिलाओं का साज श्रृंगार और आभूषण में तब्दील हो गया है और महिलाएं उस पाजेब को बड़ी खुशी खुशी पहनती हैं। तो इसे कहते हैं मानसिक गुलामी की पराकाष्ठा। मानसिक गुलामी की पराकाष्ठा कुछ इस कदर है कि इस पुरुष ने जितने भी काम पहले हुआ करते थे, मूर्ति बनाने के काम, बर्तन बनाने के काम, आभूषण बनाने के काम, खाना बनाने के काम, कपड़े बनाने के काम, जितने भी कारीगरी के काम थे, पुरुष ने सारे के सारे काम अपने पास रखे और औरत को चूड़ियां पहनाई कहीं वो कारीगर ना बन जाए। क्योंकि महिला अगर कारीगर बन जाती तो पुरुष के समकक्ष खड़ी हो जाती, पुरुष को जो है एक बहुत बड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ता, लेकिन ये पुरुष चाहता ही नहीं था। तो वो चूड़ियाँ पहनाई गई और वो चूड़ियाँ जो बंधन का प्रतीक थी, आज वही चूड़ियाँ आभूषण बन गई। आज हमारी जो बहन बेटियाँ बड़ी खुशी खुशी चूड़ियाँ पहनती हैं, उन्हें एहसास ही नहीं है कि वो मानसिक गुलामी के दौर से गुजर रही हैं। तो इसे कहते हैं गुलामी की पराकाष्ठा। उसी तरह से दलित, शोषित, पिछड़े समाज के जो लोग हैं वो मानसिक गुलामी से इस कदर पीड़ित हैं कि अब उन्हें इस बात का एहसास होना ही बंद हो गया कि वो गुलाम है। अब तो उन्हें उस गुलामी में भी मज़ा आता है और जिस भी काम को करने में इंसान को मज़ा आता है उस काम को वो बदस्तूर जारी रखता है। एक उदाहरण देके बताना चाहूँगा, दिल्ली में प्रगति मैदान के सामने एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है किलकारी वाले भैरव बाबा का मंदिर, किलकारी वाले भैरव बाबा का मंदिर। अच्छा, वो मंदिर ऐसा है, अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ प्रसाद के रूप में आपको शराब चढ़ानी होती है। तो आप ये समझ सकते हैं, जो देवता दारू से प्रसन्न होता हो, जो देवता शराब पी करके प्रसन्न होता हो, तो समाज का हाल क्या होगा। वहाँ पर भिखारियों की मौज आ रही है,
वहाँ भिखारी जो है एल्युमिनियम के बर्तन लेकर के बैठे हुए हैं, कुछ जो देसी चढ़ा रहा है तो देसी रहा, भाई साहब हमें भी दो, ऐसे करके वो देसी भी एक साथ मिला रहे हैं और अंग्रेजी भी मिला रहे हैं। और रोज हर संडे को वहाँ पार्टी होती है भिखारियों की, उन्हें दारू पीने को मिलती है। आप इमेजिन कर सकते हो कि मनुष्य के मस्तिष्क के गुलामी की पराकाष्ठा इस कदर बढ़ चुकी है कि उसे शराब भी प्रसाद दिखाई देने लगता है। शराब जिससे केवल परिवारों का पतन होता है, शराब जिससे शारीरिक कुंठाएं बढ़ती हैं, शराब जिससे परिवार टूटते हैं, शराब जिससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, उस शराब को बड़ी खुशी खुशी चढ़ाते हैं और प्रसाद के रूप में उसका सेवन करते हैं। तो ये दिमागी गुलामी है और इस दिमागी गुलामी को ख़त्म करने के लिए केवल एकमात्र रास्ता है, वो शिक्षा। बाबा साहब ने खुद कहा है कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हमें शिक्षित होना ही पड़ेगा, हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा। मैं तो अपना खुद का उदाहरण, मुझे खुद लगता था कि भैरव बाबा के दर्शन करने जाऊंगा, भैरव बाबा पे प्रसाद चढ़ाऊंगा तो मुझे नौकरी मिलेगी। यकीन जानिए, जब तक मैं प्रसाद चढ़ाता रहा तब तक नौकरी मिली नहीं। लेकिन जब मुझे ये समझ में आया कि मैं कंपटीशन में फ़ेल हो रहा हूँ तो किस सब्जेक्ट में फ़ेल हो रहा हूँ, तो मैंने उस सब्जेक्ट की तैयारी की, तो पता चला रिजल्ट ऐसे ज़बरदस्त हुए कि कंपटीशन के 12 कंपटीशन क्वालिफाई किए मैंने, चाहे वो SSC प्री मेन और प्री होता हो या मेन होता हो, वो बाद में हुआ, उससे पहले केवल एक ही होता था, BSRB होता था, उसमें बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड हुआ करता था, बैंक PO के एग्ज़ाम हुआ करते थे, रेलवे के हुआ करते थे, वो सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई होते चले गए। जब मुझे ये पता चला कि पढ़ना पड़ेगा, मुझे किसी ने दिमाग में बैठा दिया पढ़ने दे, कुछ नहीं गुरु, दारू चढ़ा, एक पौवा चढ़ा, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। और उससे भी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई जब मैं वाल्मीकि समाज में आया। वाल्मीकि समाज में जाकर देखा तो वहाँ और नए तरह के देवता हैं, वहाँ कलवा पोन, सबल सिंह पोन, नथिया चौकी, बुलखिया, ये देवताओं के नाम हैं। और वहाँ बड़ा अजीब सा है कि हर परिवार में एक भगत होगा। भगत समझते हो, भगत वो होता है जो ईश्वर की स्तुति करते हुए और मंत्र पढ़ता है और बीमारियों का इलाज करता है। तो वाल्मीकि समाज में एक ऐसी धारणा है कि अगर बुखार हो गया तो बुखार होने पर बच्चे को डॉक्टर के पास नहीं ले जाना, क्या करना है, शाम को एक चौकी लगेगी, चौकी पे भगत बैठेगा, भगत ज्योति जलाएगा और बैठने से पहले दारू पिएगा और सुअर का मीट खाएगा, उसके बाद वो सिर ऐसे हिलाएगा। वो लोग पूछेंगे क्या हुआ, कि ये कलवापोन आ गए, कलवापोन का देवता है उनके, कलवापोन वो ऐसे गर्दन हिलाएगा और पूछेगा बताओ क्या बात है, तो उससे लोग पूछेंगे कि बाबा जी ये जो मेरा बेटा है इसे बुखार आ रहा है। बुखार आ रहा है, बुखार तो आएगा ही, रड़क आ रही है। कि बाबा कौन सी रड़क है, अबे तूने 6 महीने से बच्चा करा, कोई बच्चा करने का मतलब एक छोटा सा सुअर का बच्चा, उसको काटेंगे, उसकी बलि चढ़ाएंगे, फिर उसका मीट बनाएंगे और दारू पिलाएंगे इसे कलवापोन को, तो तूने 6 महीने से बच्चा करा कोई, कि नहीं नहीं करा, तो चल बच्चा कर तब होगा। उस बच्चे को करने में कम से कम 5,000 रुपये का खर्चा होता है, और अगर 5,000 रुपये खर्च करने के बजाय वो 100 रुपये डॉक्टर के ऊपर खर्च करता तो बच्चा जल्दी ठीक हो सकता था। और 5,000 रुपये वहाँ खर्च, अच्छा 5,000 रुपये हो सकता है वो कर्जा लेकर के आया हो जी। तो उससे क्या हो रहा है, एक तो धार्मिक अंधविश्वास है, धार्मिक अंधविश्वास के चलते हुए रूढ़िवादिता बढ़ गई है, रूढ़िवादिता बढ़ते हुए अशिक्षा की तरफ समाज जा रहा है, अशिक्षा के चलते हुए आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो रही है। मतलब ये हुआ पूरा का पूरा अंधकार, अंधेरा है पूरा, अंधेरा कुछ इसका दर है। एक और बात बताता हूँ, बड़ी गंभीर बात है, हमारे यहीं गाज़ियाबाद के आसपास एक गाँव है, सिकंदराबाद के आसपास गाँव, तो यहाँ एक त्यौहार मनाया जाता है, विशेष रूप से चमारों में जी। चमारों में त्यौहार मनाया जाता है, उस त्यौहार का नाम है बसोड़ा। सुना है नाम कभी? नहीं सर, आज पहली बार। हाँ, इस त्यौहार का नाम है बसोड़ा। इस त्यौहार में क्या होता है कि जो महिलाएं हैं वो घर में वो बनाती हैं पुए, पूड़े कहते हैं उसको, और चने की दाल होती है, हल्दी होती है, तो एक टोकरी में रख कर के जाते हैं और किसी सड़क के किनारे, अच्छा विशेष रूप से वो जगह होती थी जिन्हें चावण भूमिया कहते थे। चावण भूमिया कहते, ये समझ लो जब पहले हमारे लोगों को मंदिरों में जाने का हक नहीं था तो वो क्या करते थे बेचारे गरीब, गांव के बाहर ऐसे 2 ईंटें लगा देते थे यूँ, और वहाँ ईंटें लगा के समझते ही चावण भूमिया बन गई, फिर उसकी पूजा करते थे, क्योंकि कीड़ा था ना वो, पूजा करनी है। तो ऐसे ही वहाँ पर वो बसोड़ा हुआ, बसोड़ा पूजने जा रहे हैं, पर्दा प्रथा भी होता है इस क्षेत्र में। तो सासू माँ आगे आगे जा रही हैं और बहू पीछे पीछे जा रही है। सासू माँ को चलते चलते उन्हें सुसु महसूस हुआ, यूरिन प्रेशर महसूस हुआ, तो वो बैठ गई, वो जैसे ऐसे टोकरा लेके बैठी और यूरिन पास किया, उसके बाद क्या हुआ, जैसे उठी तो टोकरी में से पूड़ा गिर गया और थोड़े से चने के दाने गिर गए,
अब पीछे पल्ला करके पर्दा करके बहू आ रही थी। बहू ने ओ अम्मा तो यहाँ पूजा करके गई दिख है, मैं भी यहीं बैठ जाऊँ। तो वो पीछे से आई और उसने भी एक पूड़ा वहाँ रख दिया, कुछ चने की दाल डाल दी और वो कुछ हल्दी डाल दी। ओ पानी तो पहले से पड़ा, मैं भी थोड़ा सा पानी डाल दूँ। उसने पूड़े भी डाल दिए, चने की दाल डाल दी। अम्मा वहाँ पेशाब करके गई थी लेकिन उसने पूजा कर दी। गाँव के सारी महिलाएँ पीछे आ रही थी, अरे यहाँ भी पूजा हो रही है, तो उन्होंने वहाँ पर उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। तो मेरे जैसे एक बंदा देख रहा था, उसने कहा तुम पागल हो गई हो, देख भी रही हो क्या हुआ, वो बूढ़ी अम्मा यहाँ पर पेशाब करके गई थी, तुमने यहाँ पूजा कर दी। अच्छा, तो एक पागल आदमी खड़ा था, अच्छा उसने अगले दिन वहाँ दो ऐसे ईंटें लगा दी और एक फ्लैक्स लगा दी, उस पर लिखा था मूतनी माता का मंदिर, और वहाँ ढोलक बजाई जाने लगी, वहाँ मंजीरे बजाने लगे और वहाँ तो आरती उन्होंने जयकारा मूतनी मैया का, बोल सच्चे दरबार की जय। तो ये हाल है इस समाज का। तो धार्मिक अंधविश्वास किस कदर हावी है, तो इसे आप केवल इसी बात से समझ सकते हैं कि इसे कहते हैं मानसिक गुलामी। लेकिन सर आपने ये बोला शिक्षा, शिक्षित आज पहले की जनरेशन नहीं होती थी लेकिन आज की जनरेशन शिक्षित है, लेकिन फिर भी वो मंच में जाते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं और हाथों में धागा पहन के आते हैं। मैं एक बात यहाँ बड़े क्लियर करना चाहूँगा, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो और शिक्षित करो। ये जितने आप जिन्हें आप शिक्षित कह रहे हो ना, ये शिक्षित नहीं है, ये तो पढ़े लिखे हैं। ये लोग वो पढ़ करके आए हैं जो किताबों में लिख दिया, और जो किताबें लिखी गई हैं वो तो मनुवादी लोगों ने लिखी हैं। आप ये बताओ किताबों में भगत सिंह मिल जाएगा, उधम सिंह नहीं मिलता। आपको किताबों में राष्ट्रपिता गांधी मिल जाएंगे, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले नहीं मिलते। आपको जब आप पढ़ोगी तो उसमें आपको रानी लक्ष्मीबाई मिल जाएगी लेकिन झलकारी बाई मिलेगी नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे समाज के महापुरुषों की विचारधारा थी वो पुस्तकों में उपस्थित नहीं है, और वो जो पुस्तकें हैं, जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो मनुवादी लोगों के द्वारा लिखी गई हैं। तो ऐसे में जो हमारे लोग हैं वो शिक्षित नहीं हैं, वो पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे कुछ इस कदर हैं, इतने पागल हैं, देखो क्या लिखा और इन्होंने क्या पढ़ा। पढ़े लिखों की बात बताता हूँ, जो मूर्ख पागल पाखंडी किताबों में लिखा कि एक राजा थे, उनका नाम था राजा जनक। राजा जनक के यहाँ कोई भी संतान नहीं थी, तो राजा जनक को ऋषियों ने कहा कि अगर राजा रानी मिलके दोनों हल चलाएंगे तो इन्हें संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। तो इन पढ़े लिखे से पूछो कि हल चलाने से संतान उत्पत्ति होती है कभी, उन्होंने मान लिया नहीं, ये ठीक बात है, एकदम सही कह रहे हैं। और राजा रानी हल चलाने लगे। अब वो हल चला रहे थे, हल चलाते चलाते वो हल एक जगह अटक गया, बड़ा जोर लगाया हटा ही नहीं। फिर वहाँ गड्ढा खोदा तो देखा कि उसमें एक मटका निकला, घड़ा। अब घड़ा निकाला तो देखा घड़े में कन्या भी है। अब घड़े को फोड़ के कन्या निकाल ली और उस कन्या का नाम रखा गया सीता। और जितने भी ये पाखंडी पढ़े लिखे घूम रहे इन सब लोगों ने स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं तो पागल हूँ ना, मेरी बुद्धि में नहीं आया। मैं अपने आप से सवाल पूछ रहा हूँ कि बच्चे अब खुदाई में निकलेंगे, बच्चे ना हो गए, ये हड़प्पा संस्कृति के खुदाई में निकलने वाली चीज़ें हो गई, बच्चा ना हो गया, आलू हो गया, बच्चा ना हो गया, मूली हो गया, जो खुदाई में निकल रहा है। इतनी मूर्खता, इतना पागलपन। ऐसे ही ये वो है जो इन्होंने लिख दिया और हम लोगों ने पढ़ लिया, ये बाकायदा लिखी हुई है किताबों में, इन मूर्खों ने लिखी है। एक कहानी और लिखी इन्होंने, एक ऋषि हुआ करता था, उसका नाम था ऋषि दुर्वासा। अब वो कुंती जहाँ रहती थी, कुंती राजा की बेटी थी, तो आए वहाँ तो कुंती ने बड़ी सेवा करी उसकी। अब जब सेवा की तो वो कहने लगा ऋषि, बेटी मैं तेरे को मंत्र देकर जाऊँगा, और मंत्र ऐसा है जैसे वो मंत्र पढ़ेगी तो जिस देवताओं को तो बुलाना चाहिए आ जाएगा। कहा ठीक है साहब, दे दो। उसने मंत्र दे दिया। अब किसी को कोई नई चीज़ मिले तो बड़ा खुश होता है, उसका इस्तेमाल करके देखे, नया मोबाइल आए तो मन करता है बार बार उसके बटन दबाए, तो उसे भी नया मिल गया वो। अब उसने वो मंत्र पढ़ दिया, मंत्र क्या पढ़ गया, वो तो ऐसे स्मार्टफोन हो गया कि विजेट खुल गए, बताओ कौन से देवता को बुलाना है, इंद्र को बुलाना है, वायु देवता को बुलाना है, वरुण को बुलाना है। अब उसने गलती से सूर्य देवता को बुला लिया। अब सूर्य देवता वहाँ प्रकट हो गए। सूर्य देवता आकर कह रहे, मतलब सूर्य, ये जो सूर्य दिख रहा है ये सूर्य वहाँ पर आगे कह रहे हैं, बता बेटा क्या चाहिए। नुआ जी भाऊ जी, मैं तो वैसे ही बुला रही थी, मैंने तो वैसे ही मंत्र पढ़ना, वैसे कुछ नहीं, अब तो मैं आ गया, मैं तुम्हें कुछ दे के जाऊँगा। कहूँ देखो साहब, दे के क्या जाओगे, मुझे तो माफ़ी कर दो, गलती हो गई मुझसे। कह नहीं, मैं तो ये पुत्र दे करके जाऊँगा। ओ भैया
ओ भाऊ जी, मेरी तो शादी भी नहीं हुई तो मुझे पुत्र तो क्या कैसे, अरे इंतजाम सब हो जाएगा। उसने ना जाने कौन सा मंत्र पढ़ा सूर्य देवता ने, ना जाने कौन सा मतलब कौन सी औषधि लगाई, एलोपैथिक लगाई, होम्योपैथिक लगाई, ईरानी के साथ यूनानी भी पेल दी, और कुंती के कान में से एक बच्चा पैदा हुआ, कान में से, और उस बच्चे ने कवच और कुंडल पहन रखे थे और उसका नाम रखा गया कर्ण। तो मैं ये पूछ रहा हूँ भाई, पढ़े लिखे लोगों पागल हो, मतलब बच्चों ने पैदा होने की जगह बदल दी, मतलब कहीं तो कुछ तो पागलपन की कोई तो सीमा हो, मतलब मूर्खता की कोई तो हद हो, कान में से बच्चे पैदा हो रहे हैं। मुझे तो ये बात बर्दाश्त ना बर्दाश्त काबिल है कि जो है कान में से कैसे हो जाएगा। तो मतलब इन लोगों ने तो जो नेचुरल प्रोसेस है वही ख़त्म कर दिया, इन्होंने निषेचन क्रिया ही ख़त्म कर दी, सब ख़त्म। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, इन्हें कम से कम विज्ञान पे भरोसा होना चाहिए, इन्हें भरोसा होना चाहिए अपनी मस्तिष्क पर, क्योंकि बुद्ध ने कहा है किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो किताबों में लिखी है, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि जो है बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं, किसी बात को इसलिए मत मानो कि आसपास की दुनिया कह रही है, किसी बात को इसलिए मानो कि आपकी बुद्धि की कसौटी पर सही उतरती तो मान लो, और अगर बुद्धि की कसौटी पर सही नहीं उतरती तो मानना बिल्कुल मूर्खता है। तो इसे जो आपने कहा ना, जैसे पढ़े लिखे लोग ज़्यादा मान रहे हैं, हाँ मान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो पढ़ा है जो दूसरे मनुवादियों ने लिखा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस दिन हमारे देश में महात्मा ज्योतिबा फूले को पढ़ाया जाएगा, भगवान गौतम बुद्ध को पढ़ाया जाएगा, माता सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया जाएगा, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर को पढ़ाया जाएगा, सरदार उधम सिंह को पढ़ाया जाएगा, और बाबा साहब को पढ़ाया जाएगा, संत शिरोमणि कबीरदास को पढ़ाया जाएगा, संत शिरोमणि रविदास को पढ़ाया जाएगा, संत शिरोमणि तुकाराम को पढ़ाया जाएगा, संत गाड़गे को पढ़ाया जाएगा, तब कहीं जा करके इस समाज में परिवर्तन की आप उम्मीद कर सकते हो। क्योंकि अभी जो पढ़ा लिखा समाज है केवल वही पढ़ रहा है जो लिखा गया है, अभी तो हमारे समाज में लिखने वाले ही पैदा नहीं हुए। मैं तो निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी अपने आप को विद्वान समझते हो कि लिखना शुरू करो, इतिहास बदलो इस देश का, जो सच्चा इतिहास है वो सबके सामने आना चाहिए, ताकि हमारे समाज के लोगों को हमारे महापुरुषों की विचारधारा के बारे में पता लग सके।